हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर एक नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज मैं बना रहा हूँ आलू दम बिरयानी। ये बहुत ही खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट है और ये बिल्कुल वेज है। आप जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए ये स्पेशल डिश है। संडे के दिन आप लोग इसको बना के खाइए। चलिए देखते हैं ये आलू बिरयानी बना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसको मैं कैसे बनाता हूँ इसका रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। करीबन 750 ग्राम आलू यहाँ पर मैंने ले लिया है। थोड़ा छोटे साइज़ का आलू है। अब इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। ये 2 बड़े चम्मच है और इसमें अभी आपको तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करके इसके अंदर डाल देना है आलू को। तो आप सावधानी से एक एक करके सब आलू को इस तेल के अंदर डाल दें और आलू डालने के बाद इसमें ऐड कर दें 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था। और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर। अब इसको आलू को बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले मिक्स कर दें। ये देख सकते हैं आलू हमारा बिल्कुल क्रिस्पी हो फ्राई हो चुका है। अब आपको इसको एक एक करके पूरा निकाल लेना है और फिर आप देख ही सकते हैं ये आलू कितना अच्छा हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छा फ्राई हो चुका है। तो अब इसी तेल में मैं और 2 चम्मच तेल ऐड कर दी हूँ। अब इसमें डाल देना है प्याज। यहाँ पर प्याज में 500 ग्राम लिया है। इसको मैं स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी प्याज को फ्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अभी आपको इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। प्याज को पहले एक छन्नी में छान लें और फिर इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो बिल्कुल आप निकाल लें। और एक्स्ट्रा तेल निकालने के बाद एक प्लेट में इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप फैला लें। ये देख सकते हैं इसको प्लेट में फैला लिया हूँ मैं। पूरा प्याज को निकाल लें, फिर इस तेल जो बचा हुआ है अब इसको कम भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं 4 टोमेटो का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको पहले हाई फ्लेम पे करके बहुत ही अच्छी तरह से 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है। और 1 मिनट तक ये फ्राई हो जाने के बाद आपको इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल दें ताकि ये दोनों एक साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसमें आपको डाल देना है 1 चम्मच नमक और साथ ही में डाल देना है आपको 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है इसमें और फिर इसको आपको ढक देना है और ढक के इसको 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे आपको पका लेना है। ये देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है मेरा, ढक्कन को हटा ले। अब टमाटर भी हमारा फ्राई हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब इसमें जितना ड्राई मसाला है अभी वो आपको ऐड कर देना है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखा वाला है, इसको मैं बड़ा 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। आप अपने तीखा के अनुसार डालें। और साथ ही में डाल देना है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। और साथ ही में डाल देना है हमको यहाँ पर भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सब मसालों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस को आपको अभी लो फ्लेम पे कर देना है और इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अब इसमें डाल देना है गरम मसाला। ये बिरयानी मसाला है, होममेड है। इसका रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अब ये बिरयानी मसाला को आप डाल दें। डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें और मिक्स करके इसको आप ढक दें। ढक के आपको इसको 30 से 40 सेकेंड तक ऐसे ही छोड़ देना है। ये देख सकते हैं 40 सेकेंड हो चुका है हमारा। अब ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है।
एकदम ड्राई हो चुका है मसाला हमारा, इसमें से खुशबू निकलने लगा है। अब इसमें ऐड कर देना है आपको हरा धनिया, ये मैंने बारीक चॉप्ट कर लिया है, और लिया है पुदीना के पत्ते। अगर आपके पास है तो आप इसको डालें, और वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इस डालने से बहुत ही अच्छा बेहतरीन खुशबू आते हैं। अब इसको मिक्स करके जो आलू हमने फ्राई करके रखा था अभी, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। ये देख सकते हैं मैं इसको डाल रही हूँ। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है मसाले में। अभी आप इसको डाल देना है इसके अंदर आपको पानी। आप यहाँ पर गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। यहाँ पर मैं छोटा एक गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलू में बहुत ही अच्छी तरह से मसाला का फ्लेवर आने तक इसको पकाना है 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो इसके हिसाब से आप पानी डालें। मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ इसमें, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। और इसी वक्त अगर नमक कम ज़्यादा है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नमक मेरा थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है, और मिक्स करके आपको अभी इसको ढक देना है, और ढक के लो मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक ऐसा ही छोड़ देना है। और तब तक मैं चावल की तरफ जाता हूँ। चावल के पानी में पहले चरा दी हूँ, ये देख सकते हैं आप, चावल का पानी लगभग उबलने के तरफ आ चुका है। अब इसमें आपको डाल देना है कुछ खड़े मसाले, जैसे कि यहाँ पर मैं ली हूँ 2 तेज़पत्ता, 3 बादल फूल, और 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, और 4 से 5 छोटे काला मीरा, और लौंग लिया है मैंने 7 से 8, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और 1 चम्मच साजीरा। ये सबको इसके अंदर डाल देना है, और डालना है नींबू का रस। नींबू का रस डालने से आपका चावल बिल्कुल टूटेगा नहीं, एकदम खिला खिला पकेगा। यहाँ पर 1 नींबू का रस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आपका चावल थोड़ा ज़्यादा भी पक जाए तो भी नींबू का रस डालने से बिल्कुल टूटता नहीं। और मैं डाल रही हूँ नमक 1 चम्मच। नमक इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए नमक आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ पुदीना, क्योंकि पुदीना का खुशबू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पुदीना इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास है तो आप डालें, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी पानी उबल चुका है, ये देख सकते हैं, चावल को मैं आधा घंटा पहले पानी में भिगा के रखा था, अभी इसको इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैंने लिया हूँ बिरयानी राइस 1 किलो। अब इसको उबाल आने तक इंतज़ार करें। चावल को भिगा के रखने से चावल बहुत ही जल्दी पक जाता है। अगर मेरा वीडियो आप नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। ये देख सकते हैं चावल पे उबाल आ चुका है हमारा। अभी आपको क्या करना है, इसको 80% तक ही कुक करना है, इससे ज़्यादा आप कुक ना करें। तो इसको 80% तक कुक करके इसका पानी निकाल लेते हैं, और ये देख सकते हैं ग्रेवी हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो अभी आपको इसमें डाल देना है प्याज, जो प्याज हमने पहले भून के रखा था उसको अभी डाल देना है सब। इसमें से थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए निकाल के रखी हूँ। अब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, और ये प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा ग्रेवी तैयार हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, इसको दम लगाने के प्रोसेस में। ये देख सकते हैं इसके नीचे मैंने तेज़पत्ता डाल दी हूँ, और साथ ही में डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर। और इसमें डाल देना है थोड़ा सा, 1/4 हिस्सा चावल, नीचे आपको थोड़ा कम ही चावल डालना है। और फिर इसके ऊपर से आपको डाल देना है बिरयानी मसाला, ये थोड़ा सा मैं ऊपर डाल रही हूँ। और साथ ही में आपको इसमें डाल देना है जो हमने आलू का ग्रेवी बना के रखा था, उसको पूरा डाल दे इसके अंदर, और करछी की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से फैला ले। फैलाने के बाद इसके अंदर डाल दे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही में अभी ऊपर से जितना भी चावल हमारा बचा हुआ था उसको मैं पूरा इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी मसाला में ऊपर से छिड़क रही हूँ, और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा फ्राइड ओनियन, और इसमें मैं डाल रही हूँ कलर, ऑरेंज फूड कलर, और थोड़ा सा मीठा इतर, उसको मैंने घोल लिया है पानी में और फिर इसके अंदर डाल दिया। अभी डाल देना है इसके अंदर देसी घी,
और अब इसको आपको ढक देना है या उसके ऊपर एक भारी कुछ डाल देना है ताकि इसका जो भाप है वो बाहर ना आए बिल्कुल। इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट और हाई फ्लेम पे 5 मिनट पका लिया है मैंने। ये देख सकते बिरयानी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपको ये बिरयानी बनाने का तरीका कैसा लगा वो ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।